प्लीज अलॉट जी, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। गाइस आज हम बनाएंगे घर के अंदर गुड़ के सेब, जिनको गुड़ के सेब भी बोलते हैं, कई बार शक्कर पारे भी बोल देते हैं। और मैंने कोशिश की है, काश आपको पसंद आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने मैदे को छान लिया है। तो मेरा ये 250 ग्राम मैदा है, इसके अंदर मैंने एक चम्मच से थोड़ा कम सौंफ डाल ली है और अजवाइन भी थोड़ी सी डाल ली है। अजवाइन ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप डालिए, नहीं तो सौंफ भी काफ़ी है। तो इसको मैंने मिक्स कर लिया है। हम हल्के हाथ से एक डो तैयार करेंगे, बढ़िया सा थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको तैयार करेंगे। तो हल्के हाथ से इसे मथ कर अच्छे से तैयार करना है ताकि बढ़िया डो तैयार हो। और लीजिए गाइस, हमारा बहुत ही बढ़िया सा स्मूथ सा डो बनकर तैयार हो गया। जिस तरीके से आटा मलते हैं ना, उसी तरीके से मलना है। अब इसे हम 10 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। कोई भी प्लेट आप इसके ऊपर रख दीजिए। 10 मिनट की रेस्ट के बाद फिर हम इसको थोड़ा सा और अच्छे सी मुखिया लगा लेंगे। ये हमारा आटा अच्छा सा फूला फूला सा हो गया है। अब इसको थोड़ा सा और हम मल लेंगे तो ये बहुत ही बढ़िया हमारा डो बनकर तैयार होगा। अब मैं 250 ग्राम मेरे पास मैदा है और 250 ग्राम ही मेरे पास गुड़ है, दोनों मैंने बराबर मात्रा में लिया है और तलने के लिए रख देती हूँ। तो ये देखिए मैं तल भी रही हूँ साथ के साथ यहाँ पर, और ये थोड़ा सा तल के मैंने निकाल भी लिया है। तो हल्की कुरकुरी सी हमने बनानी है, ये नहीं कि हल्का करना, बिल्कुल बढ़िया वाला कलर लेकर आना ताकि जले भी ना और सही भी रहे। तो इस तरीके से देखिए मैंने ये सारी बनाकर तैयार कर ली है और ये बहुत ही क्रिस्पी क्रिस्पी बनी है। मैं इनको तोड़ रही थी, ये देखिए कितनी टाइट बनी है और ये ऐसी ही बननी चाहिए। अब एक तरफ गाइस मैंने क्या है, गुड़ को भी पिघलने के लिए रख दिया है। ये मैंने फ्राई पैन में मैंने इसको गुड़ को पिघला लिया है। तो दूसरी साइड मैंने चूल्हे पे गुड़ को पिघलने के लिए रख दिया था। ये देखिए कितना बढ़िया तरीके से हमारा पिघल गया। इसके अंदर सिर्फ गुड़ को हमने पिघलना है और उसके अंदर कुछ ऐड नहीं करना। फिर हम जो हमने जितने भी ये तले हैं उन सबको हम साथ ही इसके अंदर डाल देंगे। तो हमने सारा इसके अंदर मिला देना है और गैस को बंद कर देना है। तो गाइस ये देखिए यहाँ पर बढ़िया तरीके से गुड़ के साथ ये सारे मिक्स हो गए हैं। जैसे ही आप इनको गुड़ के अंदर डाल देते हैं, आप गैस बंद कर दीजिए और एक पंखे की हवा में आप इनको अलटते पलटते रहें। यहाँ पर गाइस आपको थोड़ा इसको टाइम देना होगा और इसको लगातार चलाते रहना है, इसको अलटते पलटते रहना है, क्योंकि गाइस अगर हम इसको छोड़ देंगे ऐसे ही तो ये आपस में चिपक जाएंगे। और हमने इसको अलग अलग करके बनाना है, क्योंकि आपने देखा होगा ना शक्कर पारे कई बार गुड़ के सेब भी बोलते हैं कि वो क्या होता है, अलग अलग होते हैं। तो अगर इसको आप लगातार जब आप चलाते रहेंगे ना तो आप देखिएगा गुड़ एकदम सूखने लगा है, ड्राई ड्राई होने लगा है और ये एकदम अलग अलग हो जाएंगे, खिले खिले से दिखने लग जाएंगे। तो आप इसको चलाते रहें, ये अपने आप ही बढ़िया दिखेंगे। अब आप देखिएगा इस कितनी बढ़िया तरीके से मैं इसको लगातार चलाती रही और ये सूख गए और ये देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं। ये देखो एकदम कटक से आवाज़ इसकी आई है। और ये देखिए एक और तोड़ कर मैं आपको दिखा रही हूँ। तो लीजिए गाइस एक बढ़िया से क्रिस्पी से करारे से गुड़ के सेब, शक्कर पारे भी आप कह सकते हैं, बनकर तैयार हुए। और गुड़ हमारे डाइजेशन सिस्टम में हमें बहुत हेल्प करता है और सर्दियों में तो गुड़ हमें खाना भी चाहिए। और अक्सर घरों के अंदर हम देखते हैं खाने के बाद गुड़ लेते हैं। तो आप ये बनाकर रखिए और खाइए और खिलाइए और मुझे कमेंट्स करके बताइए आपको कैसा लगा। और गाइस आप मुझे प्लीज़ सपोर्ट करें, जैसा कि आपने मेरी लास्ट वीडियो को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, मुझे बहुत आपका बहुत थैंक यू सो मच। और गाइस प्लीज़ मुझे इसी तरीके से सपोर्ट करते रहें और मैं आपके साथ नई नई क्रिएटिविटी आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू। और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू ऑल।